दिग्विजय सिंह जी सवाल उठा कि राम जन्मभूमि जो है उसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। दिग्विजय सिंह जी का जन्म ही घोटाले में। दिग्विजय सिंह जी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है? ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस, ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। ये ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू जब एक होगा तो ये जाति के नाम पर संघर्ष करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू जब हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा तो हिंदुओं में ये मतभेद करेंगे। तो इनने तो जब तिथि बनी तो भी मतभेद किया। इनको ये नहीं मालूम था कि राम जन्मभूमि का लड़ाई हमने लगभग 450 साल तक लड़ाई को लड़ी। न्यायालय में कांग्रेस पंडित नेहरू से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल तक लड़ाई लड़ी। केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिनने इसका न्याय दिलवाया और हिंदुओं को जमीन सौंपी। वहां मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी हमको परचेज करनी थी। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी हमको वहां दान में भी दी है, कुछ लोगों ने हमको प्रॉपर्टी पुराने अनुबंधों पर दी है, कुछ लोगों ने तत्कालिक अनुबंधों पर दी है, कुछ लोगों ने कहा भैया चाहे राम मंदिर के लिए लो चाहे किसी काम के लिए, पैसे तो हम दुगने ही लेंगे। हम नहीं चाहते थे कि तुरंत हम कोर्ट की लड़ाई लड़े, क्योंकि 370 वापस ला रहे हैं और इसलिए हमने उठाकर वहां पर वो जमीन खरीदी है। कागज है, ई पेमेंट हुआ है, उनके खातों में गया है। अगर हिसाब देना है तो देश की जनता को राजीव गांधी न्यास का हिसाब दो। वर्षों से जो एक ही आदमी चपाए बैठे हुए और तुम नारे बापों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ना तो तुम राम मंदिर का निर्माण रोक सकते, ना अब हिंदुओं की एकता रोक सकते और ना तुम्हारे पुरखे अब कश्मीर में 370 वापस ला सकते। इसलिए हिंदू एक था, अब हिंदू एक है। बाबर को भी जवाब दिया था, औरंगजेब को भी जवाब दिया था, अकबर को भी जवाब दिया था और अब उसकी औलादे जो नाजायज हैं, जो डलोजी तो चला गया पर उसकी नाजायज औलादे रह गई, फूट डालो और राज करो, हिंदुओं में फूट डालो और अपना राज बनाओ। ऐसे दिग्विजय सिंह और उनके जुड़े चंगू मंगुओं को हम बता देना चाहते हैं कि ना अब हिंदुओं में फूट डलेगी, ना हिंदू अब जाति पर लड़ेगा, ना हिंदू अब भाषा पर लड़ेगा, ना हिंदू अब वर्ग पर लड़ेगा। हिंदू लड़ेगा तो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा, अपने धर्म के लिए लड़ेगा और गर्व से कहो हम हिंदू हैं इस शब्द के लिए लड़ेगा। धन्यवाद।